भाव लोग, आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। डेडपूल एंड वुल्वरीन, यार कितना मजा आ रहा था। ये मूवी चल रही थी और बस चलते चलते ये खत्म हो गई और सन्नाटा फिर छा गया। पूरी मूवी में जो बकचोदियां चली हैं भाई, डेडपूल तो अपना है ही बकचोद बाबा, लेकिन 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 भाई इस जोड़ी ने जो आग लगाई है, और ये जोड़ी बहुत कुछ प्रॉमिस करके जा रही है और ऐसी ऐसी चीज को ये रिकवर करने वाली है। इन माय विजन कि भाई मैं हाँ गलत भी हो सकता हूँ, बट हाँ ये इस जोड़ी में वो प्रॉमिसेस दिख रहे हैं, इस जोड़ी में वो ताकत देखने को मिल रही है जो एवेंजर्स की टीम में दिखा करती थी। जो शुरुआत हुआ थी, कोई ज्यादा सुपर हीरो नहीं थे, लेकिन भाई जो मेन जो जड़ थे, मेन रूट थे, वो थे अपने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक विडो और भी हैं जो। लेकिन भाई एक्स मैन, अपना वुल्वरीन, लोगन और उसका डेडपूल, भाई ये जो जोड़ी आई है ना, ये पिलर का काम करके जाएंगी अगर एक ऐसी टीम आगे जाकर बनती है। मार्वल के दिमाग में अगर ये बातें चल रही हैं और एक ऐसी टीम ये बनाने की कोशिश करेंगे, तो बाबा डेडपूल से बहुत कुछ हमें मिल जाएगा, बहुत कुछ, क्योंकि बहुत से कैमियोज हैं और मल्टीवर्स की बात तो हो ही रही है भाई सब। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कसांड्रा नोवा अगर मर चुकी है तो कसांड्रा नोवा क्या वापस नहीं आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि एक यूनिवर्स में वो गलत है तो शायद एक यूनिवर्स में वो बढ़िया भी होगी। लेकिन हमें पावर क्या यूज करनी है? उसकी अच्छाई वाली पावर यूज करनी है। लेकिन बावा बावा बावा, कसांड्रा नोवा से मोहब्बत हो गई है भाई मुझको तो हो गई है। तुम्हें अगर तुमने देख लिया है, तुम्हें हुई नहीं हुई आई डोंट नो, बट ऐसा निगेटिव इविल कैरेक्टर, इतना पावरफुल कैरेक्टर, बाबा अगर मैं आपको बताऊं तो कसांड्रा नोवा कौन है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। चार्ल्स जानते हो आप, एक्समैन का वो टकला जो कुर्सी में बैठे रहता था, दिमाग को बड़ा करता था और काफ़ी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता था, और हिलने के नाम पर कुछ इसका शरीर हिलता नहीं था, बस दिमाग ही चलता था। बस उसकी वो बहना थी, छोटी बहना, जो शून्य लोक में, यहाँ पर टीवीए वालों ने उसे शून्य लोक में भेज दिया था और वो वहाँ की रानी थी और वो वहाँ सारे कुछ मैनेज करती थी, वहाँ की डिप्लोमेसी मैनेज करती थी। और उस शून्य लोक में बहुत से सुपर हीरोज फंसे पड़े हैं और पूरे डेडपूल एंड वुल्वरीन में आपको भाई साहब दर्जनों के माफिक, एक ऐसा होता नहीं कि इस गली से चले तो दूसरी गली में चले जाएंगे, है नहीं, यहाँ पर तुम्हें अच्छा सुपर हीरो नहीं मिला तो आगे जाके दूसरा अच्छा सुपर हीरो मिल जाएगा। हाँ भाई, बहुत कैमियोज है, एक से बढ़कर एक सुपर हीरो देखने को मिलेंगे। 22 साल 20 साल पहले की जो यादें थी वो ताज़ा कर दी गई हैं, ऐसे जबरदस्त आपको कैमियोज देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई गॉड, कसांड्रा नोवा ये कैरेक्टर भाई फकिंग किल्स द परफॉर्मेंस यार, सब मतलब ओवर शैडो करके गया है इजली, है ना। दूसरी तरफ ये कि डेडपूल एंड वुल्वरीन बाबा, इनको मालूम है कि कसांड्रा नोवा कितनी ज़्यादा डेंजरस है, उसके बाद भी ये उसके सामने जाने की बार बार हिमाकत करते हैं, जरूरत करते हैं और आसानी से पेल दिए जाती है कसांड्रा नोवा की से, क्योंकि कसांड्रा नोवा भाई बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, वो माइंड रीड भी कर सकती है, लेकिन उसका पूरा शरीर चल रहा है, वो मैग्नेटो की तरह भाई साहब एक एक इंसान को नचा सकती है, सब मतलब बहुत बहुत कुछ कर सकती है सिर्फ इशारों में। जब बात करते भाई साहब एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे, और एंडिंग भाई साहब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडिंग ही दमदार है भाई, स्टार्टिंग से लेके मिड से लेके जितनी भी पूरी कहानी मूवी में चली है भाई, राइटिंग जिस हिसाब से करी है और एंगेजमेंट जिस हिसाब से बनाया गया है डायरेक्शन लेकर के द्वारा, औसम है। देन उसके बाद भाई साहब बकचोद बाबा अपनी डेडपूल कहाँ ही चुप मानेंगे, जब तक उसका मुंह चलता रहेगा आपको हंसी ठिठोले सब सूझती रहेंगी, मजा आते रहेगा। देन उसके बाद वो भाई पंगा एंड एक्शन वैक्शन तो आपको देखने को मिलेगा ही, मतलब क्या मार्वल का क्या फाइनेस्ट क्रिएशन है बाबा, जहाँ पर आपको भरपूर एक्शन भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ढेर सारी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, और हाँ मैं रिकमेंड करूंगा भाई साहब हिंदी डब में ही देखना। और यस यार, ये सिर्फ इस मूवी के लिए मैं वेट करता हूँ कि हिंदी डबिंग वाली ही मूवी देखने को मिले, और जबरदस्त डबिंग हो भाई, क्या सॉलिड पंचेस लिखे गए हैं हिंदी में, राइटिंग में भी जबरदस्त है भाई, क्योंकि डेडपूल तो कर रहा है जो भी कर रहा है, जो अपना वो करता है, ये डेडपूल एंड फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में जो आपने देखा होगा उसका ह्यूमर मिंट फ्लेवर जो अलग हटके, लेकिन बाबा वुल्वरीन भी फुल डेडपूल वाला हिसाब किताब देखने को मिला। एंडिंग सॉलिड है, सुपर है, टाइम रिपर एक मशीन है, टाइम रिपर जो पैराडॉक्स बनाता है और डेडपूल के यूनिवर्स को उसकी टाइमलाइन को खत्म करने के लिए उस टाइम रिपर के जरिए, लेकिन टाइम रिपर की बात कसांड्रा नोवा को पता चल जाती है और कसांड्रा नोवा के साथ पैराडॉक्स जो है जिसने उसे ही वहाँ भेजा था और वो पावर दी थी कि तू वहाँ जाकर राज कर और सबको कंट्रोल कर और जो भी मैं वहाँ से कुछ भी फेंकूंगा तो उसे इरेज कर, बस ये वाली बात ही जो चल रही थी। लेकिन यहाँ पर भाई साहब पैराडॉक्स अब गद्दारी करना चाहता है किससे, कसांड्रा नोवा से, और कसांड्रा नोवा को ये बात पता चल चुकी है। देन वो अब क्या करेगी, क्या करना चाह रही है, एंडिंग में टाइम रिपर के जरिए उन सारे यूनिवर्स को ख़त्म करना चाह रही है, ना कि सिर्फ डेडपूल के, भाई साहब उस पैराडॉक्स वगैरह वगैरह जितने भी ये टीवीए के यूनिवर्स हैं भाई, इन सबको भी वो ख़त्म करना चाह रही है, दैट्स वाई कि वो टाइम रिपर का इस्तेमाल करती है।
लेकिन अब जो है बात ये पहुंच चुकी है कि इस टाइम पर को जैसे न तैसे खत्म किया जाए। तो बस यार डेडपूल एंड वुल्वरीन आखिर इस मूवी में क्यों है? मसीहा है और वो ही ये काम करेंगे और वो ही करते नजर आए हैं। लेकिन इससे भी पहले वो वहां पर पहुंचे जब 100 डेडपूल उनके सामने आए। भाई क्या वेरिएंट्स है यार, क्या वेरिएंट्स है, जबरदस्त जबरदस्त डेडपूल, बेबी डेडपूल देखने को मिल रहा है, बुड्ढा डेडपूल देखने को मिल रहा है, समुराई डेडपूल देखने को मिल रहा है, उसके बाद चाइनीज डेडपूल देखने को मिल रहा है, एआई जनरेटेड डेडपूल देखने को मिल रहा है, एंड देन उसके बाद रोबो डेडपूल देखने को मिल रहा है, एंड ईविल डेविल, मतलब हर कुछ वो डेडपूल भाई जो एक वॉरियर में सेट होते हैं। देन उसके बाद वैसे अपने डेडपूल एंड वुल्वरीन अपने जो मसीहा हैं वो जिस काम के लिए उन्हें चुना गया है टाइम रिपर को वो सत्यानाश करते हैं, जिससे कसाना नोवा का भी सत्यानाश वहां पर हो जाएगा। कैसे होगा इन डिटेल वैसे मूवी में आप देख लेना। बाकी हाँ पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ऑसम है, बड़े शांत तरीके से आया है, लेकिन बहुत कुछ बता के गया है कि आगे ना फाड़ने वाले हैं, बहुत बुरी तरीके से फाड़ने वाले हैं, क्योंकि वैसा वुल्वरीन का अब यहाँ का काम खत्म हो चुका था। वुल्वरीन कहता भाई अब मैं अपनी जहाँ से आया था मैं वहीं चला जाऊँगा, लेकिन बस बात यह है कि उसके पास कोई है नहीं, तो वो जहाँ पर भी जाएगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बस डेडपूल ने यही कहा कि भाई क्यों नहीं तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, यानी हमारी जो फैमिली है उसके साथ जुड़ जाओ। हाँ डेडपूल एंड वुल्वरीन अब ऑफिशियली दोनों साथ आ चुके हैं, पहले तो बस एक कंडीशनल वे पे आ रहे थे कि ये सारा यूनिवर्स बचाना है ये वो, दैट्स वाई कि वो कंडीशनल आए और कुछ इमोशन कनेक्ट हुए, लेकिन यहाँ यहाँ उनकी मर्जी है, वो रहना चाहते हैं एक दोनों साथ में। और बाबा ये जोड़ी बहुत फाड़ जोड़ी होने वाली है, एक नई टीम बनने वाली है मार्वल की तरफ से, ऐसा मुझे संकेत लग रहा है। फिलहाल मुझे ऐसे इसके बारे में कुछ डीपली कुछ पता नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं इमेजिन कर सकता हूँ या फिर अपनी एक थ्योरी सेट कर सकता हूँ इन माई वे। वो भी ऑसम है, यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसको मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद।